एंड सोर्स ऑफ फूड और फूड के सोर्स क्या क्या है कहा से हमें फूड मिलता है वो हम लोग रीड करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स ये जो पिक्चर्स दी है आपको बताना है की ये जो फूड है ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं क्योंकि टू सोर्सेस होते फूड के या तो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा सो फर्स्ट वन फर्स्ट वन इट इज चिकन ओके सो वी गेट इट फ्रॉम एनिमल्स पटेटोज पटेटोज वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ब्रिंजल प्लांट्स एग्स एनिमल्स ओके लेट्स स्टार्ट रीडिंग फूड इज आर बेसिक नीड फूड जो हैं वो हमारी बेसिक नीड है ओके नीड मीन्स होता है ज़रूरत ठीक है तो हमारी एक जरूरत है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क ये फूड जो है हमें क्या देते हैं एनर्जी ताकत देते हैं काय के लिए टू डू वर्क वर्क करने के लिए ठीक है दिन भर में हम बहुत सारा वर्क करते हैं तो उसके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी हमें काय से मिलती है फूड से मिलती हैं इसलिए हम रोज़ाना फूड ईट करते हैं है ना इट हेल्प्स अस टू ग्रो और फूड हमारी काय में हेल्प करते हैं टू ग्रो ग्रो मींस बढ़ना ठीक है हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारी ग्रोथ होती है ना हाइट और वेट बढ़ता है हमारा इट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट टू फाइट डिजीजेस ये हमें कैसा रखते हैं फूड हमें हेल्दी रखता है, है ना स्वस्थ रहते हैं हम एंड डिजीजेस और जो बहुत सारी डिजीजेस होती है बीमारियां होती हैं उनसे हम उनसे लड़ने की हमारे अंदर ताकत आ जाती है ठीक है कैसे फूड से अब देखेंगे हम काइंड ऑफ फूड फूड कितने काइंड के होते हैं different kinds of food fulfill different needs of our body जो अलग अलग different different kind के of food होते हैं वो हमारी body की fulfill पूरी करते हैं क्या पूरी करते हैं ज़रूरतें जो different different ज़रूरत होती है हमारी body को उसको पूरी करते हैं different different food we need all of them और हमें वो सारे food की ज़रूरत होती हैं ठीक है इसलिए हम different different type के food eat करते हैं वन ऑफ दैम इज एनर्जी गिविंग फूड ठीक है एक कौन सा है उनमें से एनर्जी गिविंग फूड जो हमें ताकत देते हैं कौन कौन से फूड हमें ताकत देते हैं दिस काइंड ऑफ फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क फॉर एग्जांपल व्हीट पोटैटो राइस मेज़ एक्सेट्रा आर ऑल एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स ओके सो एनर्जी गिविंग फूड वो फूड होते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं टू डू वर्क वर्क करने के लिए हमें एनर्जी देते हैं उन्हें हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड एग्जाम्पल में वीट मीन्स गेहूँ ओके पटेटोज पटेटोज आलू राइस ठीक है राइस खाते हम लोग चावल मेज मेज मीन्स मक्का ठीक है एक्सेट्रा तो आप देखेंगे कि ये एनर्जी गिविंग फूड है और एनर्जी की ज़रूरत तो हमें डेली होती है इसलिए हम देखते हैं कि डेली हम व्हीट जो चपातीज़ बना के खाते हैं हम लोग है ना व्हीट मेज़ और राइस भी खाते डेली डेली पोटेटोज़ वेजिटेबल्स भी हम लोग ईट करते हैं तो ये क्या है एनर्जी गिविंग फूड है जो हमें दिन भर एनर्जेटिक रखते हैं हम दिन भर अच्छे से काम कर पाते हैं इसलिए हम डेली फूड ईट करते हैं ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड ओके बॉडी बिल्डिंग मीन्स वर्धक हमारी बॉडी हाइट और वेट बढ़ाने वाले फूड ठीक है ये फूड अगर आप खाएंगे तो आपकी हाइट भी अच्छी हो जाएगी लंबाई भी अच्छी बढ़ जाएगी और आपका वेट भी बढ़ेगा ठीक है दिस काइंड ऑफ फूड हेल्प्स आर बॉडी टू ग्रो ये फूड जो है हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं बढ़ने में हेल्प करते हैं एग्जाम्पल ऑफ सच फूड आइटम्स इंक्लूड पल्सिस एग्स मिल्क फिश दाल एंड नट्स इनमें क्या क्या आते हैं पल्सेस आती है ठीक है जो दालें होती हैं वो आती हैं एग्स ठीक है एग्स आते हैं मिल्क जो मिल्क हम डेली मिल्क ड्रिंक करते हैं ना तो वो क्यों ड्रिंक करते हैं उससे क्या होता है बॉडी बिल्डिंग हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है बॉडी बढ़ती है हम जल्दी से बड़े हो जाते हैं ठीक है फिश ठीक है दाल एंड नट्स ओके नट्स मीन्स जो दाने होते हैं मूंगफली के दाने होते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौन से फूड हैं बॉडी बिल्डिंग फूड इन्हें आप खाएंगे तो आप बहुत ही स्ट्रांग बन जाएंगे आपका हाइट और वेट दोनों बढ़ जाएंगे नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव का मन मीन्स होता है हमको प्रोटेक्ट करना है कैसे प्रोटेक्ट करना फ्रॉम स डिजीजेस बहुत सारी बीमारियों से जो हमें दूर रखते हैं वो फूड दिस काइंड ऑफ फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजे ऐसे फूड हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है फ्रूट्स ओके okay? ओल काइंड ऑफ फ्रूट जो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे टाइप के फ्रूट आते हैं so, सो वो सारे फ्रूट हमें क्या करते हैं फ्रूट जब हम खाते हैं तो हमें बीमारियां नहीं होती ठीक है एक प्रोअप भी है ना एप्पल के बारे में An apple एप्पल day किप्स द डॉक्टर अवे ठीक है अगर आप डेली एक एप्पल खाते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ते आपको कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता ठीक है एंड वेजिटेबल्स ओके हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं इसलिए हमें डेली चपाती चपाती के साथ में वेजिटेबल खानी चाहिए और डेली कोई ना कोई फ्रूट्स भी जरूर खाने चाहिए ओके नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट ठीक है हमारी जो डाइट है वो कैसी होना चाहिए बैलेंस्ड ओके okay? अब बैलेंस्ड कैसे नाउ यू नो द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड सर्व डिफरेंट नीड्स अभी हमें पता चला कि डिफरेंट काइंड ऑफ़ फूड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नीड्स uh, जो हमारी अलग अलग ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करते हैं कोई हमें एनर्जी देता है तो कोई हमारी बॉडी बनाता है तो कोई हमें डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है दे आर ऑल इम्पोर्टेंट अस ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वी शुड ईट ऑल काइंड ऑफ फूड इन अ बैलेंस्ड मैनर हमें ये सारे फूड ईट करना चाहिए बट इन अ बैलेंस्ड मैनर ठीक है लेकिन बैलेंस में ऐसा नहीं आपको खाने का बोल दिया तो आप फ्रूट्स ही फ्रूट्स खाए जा रहे हैं ठीक है या फिर वेजिटेबल्स ही खा ली या फिर वेजिटेबल बिल्कुल भी नहीं खाई है ना तो हमें क्या करना है सारे फूड को बैलेंस्ड मैनर में खाना है थोड़ा थोड़ा सब कुछ ईट करना है दिस इज नॉन एज अ बैलेंस्ड डाइट और इसको ही हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट ठीक है अ डाइट इज वॉट वी ईट ऑन अ डेली बेसिस और डाइट क्या होता है डाइट मीन्स जो आप डेली खाते हैं तो डेली हमें सब कुछ सारी चीज़ें खानी हैं ठीक है एनर्जी गिविंग फूड भी खाने हैं बॉडी बिल्डिंग फूड भी खाने हैं प्रोडक्टिव फूड भी खाने हैं लेकिन कैसे खाने हैं इन अ बैलेंस डाइट ठीक है सब थोड़ा थोड़ा खाना है ऑल्सो इनकलूड लॉर्ड्स ऑफ वाटर इन योर डेली डाइट और अपनी डेली डाइट में हमें एक चीज़ और भी इंक्लूड करनी है वो क्या है लॉर्ड्स ऑफ वाटर बहुत सारा पानी हम लोगों को पीना है ठीक है हमें दिन भर में जितना ज़्यादा पानी हम पी पाए उतना ज़्यादा पानी हमें पीना चाहिए ओके do you know junk food is food with a little nutritional value but high in calories it includes candies chips cookies french fries etc okay आप junk food junk food आपने नाम सुना होगा तो junk food क्या होते हैं उनके अंदर क्या होता है little nutritional values उनके अंदर जो nutrition है जो पोषक तत्व हैं जो हमें हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं वो बहुत कम होते हैं और उनके अंदर क्या चीज़ हाई होती हैं कैलोरीज ठीक है जो कि हमें मोटा बना देती हैं बहुत ज़्यादा और हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती तो वो कैलोरीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं इसलिए ऐसे जंक फूड हमें ईट नहीं करना है इसमें जंक फूड में क्या क्या आते हैं कैंडीज़ ठीक है जो आप कैंडीज़ खाते हैं ना तो वगैरह खाते हैं हम वो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा मीठी मीठी लगती है हमको है ना चिप्स चिप्स नहीं खानी चाहिए कुकीज़ बहुत सारी कुकीज़ आते हैं बिस्किट्स आते हैं वो हमें नहीं खाने चाहिए फ्रेंच फ्राइज़ ओके बहुत सारी फ़्राइज़ आती है ना हम लोग खाते हैं कुरकुरे वगैरह भी खाते हैं तो ये चीज़ें हमें ईट नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ दे आर नॉट गुड फॉर आर हेल्थ क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं बल्कि हमें जो है सारे फूड आइटम्स खाने चाहिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सेट्रा जो हमारी हेल्थ के लिए गुड है ओके मैच द फॉलोइंग एनर्जी गिविंग फूड एनर्जी, तो एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है इनमें से एग्स फ्रूट्स या पोटेटोज डेली हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हम डेली में क्या फूड एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है पटेटोज बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग अगर आपको बॉडी बनानी है तो क्या ईट करेंगे एग्स प्रोटेक्टिव फूड बीमारियों से बचाने वाला फूड कौन सा है फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एग फ्रूट अगर आप दिन में ईट करते हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम डिजीजेस ओके हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव रीड इन दिस वीडियो एंड द रिमेनिंग हाफ चैप्टर वी विल रीड इन आर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू